बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मेहराज रॉब देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 19 से 22 के पार्थिरी के छात्राओं के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 30 जून तक फॉर्म भरने का डेट है। एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें मेंशन ये था कि 30 जून तक लास्ट डेट है, इस बीच में आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि मैंने सेशन के बारे में बताया था कि उसमें कौन कौन सी छात्रा फॉर्म भर सकते हैं, जो 30 जून का नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उन तमाम छात्राओं को 25,000 ही मिलेगा पुराने स्कीम के तहत, और 19 से 22 वाली तमाम छात्राएं आपको नई स्कीम के तहत आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि जो 30 जून तक लास्ट डेट जो कहा गया है, उन सभी छात्राओं के लिए अभी तक ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है, आवेदन होना शुरू नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अभी भी क्लोज है। खैर, वो जो नोटिफिकेशन था वो 19 से 22 के तमाम छात्राएं आपके लिए नहीं था, वो 25,000 वालों के लिए था और ये 50,000 वालों के लिए। अब 25-50 क्या भेदभाव है इसमें, तो थोड़ी सी आपको दे दूं जानकारी। पहले जो था ये योजना मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2018 में शुरू किया गया, 25 अप्रैल 2018 से ये लागू हुई, मतलब कि स्नातक जो भी 25 अप्रैल 2018 को या उसके बाद जिसका क्लियर हुआ छात्राओं को, उनको पैसे दिए जाने थे 25,000। उसके बाद 2020 में विधानसभा इलेक्शन हुआ, नीतीश कुमार ने यह घोषणा की हमारी पार्टी यदि जीतती है तो हम ये राशि दोगुनी कर देंगे। 2020 में ये स्पीच दिए गए, उसके बाद से कहा गया कि पहले 25 मिलता था, 50 देंगे यदि हम जीत जाएंगे तो। और इंटर में कहा गया कि इंटर की तमाम छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो जीत गए। बस अब यह हो गया कि अब दोगुना हो गया, तो इसीलिए पहले 25 मिलता था, उसके बाद से अब 50 मिलना शुरू हो गया। 50 में भी यह कह दिया गया कि वैसी छात्राएं जिनका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद से जब आएगा तो उनको 50 देंगे, उससे पहले वाले को 25 देंगे। तो 25 और 50 का यही झमेला है कि हाँ इलेक्शन में की है कि कहा गया था कि हम जीतेंगे तो हम राशि दोगुनी कर देंगे, तो नीतीश कुमार की पार्टी जीत गई, इसलिए अब दोगुना पैसा मिलता है और डेट भी निर्धारित है कि इस डेट तक पास होना चाहिए तब वो दोगुने पैसे मिलेंगे। तो तमाम छात्राएं अब जो है आपको आवेदन करने से पहले लगभग जो 3-4 डॉक्यूमेंट है, मैंने वहां पर बोर्ड पर लिख रखा है, वो 4 डॉक्यूमेंट आपके पास दुरुस्त होना चाहिए, दुरुस्त करवा लीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन करेंगे। जब हम कहेंगे तब आपका लिस्ट में बजाबता नाम आएगा, लिस्ट में नाम लगभग अभी 2-3 महीने बाद आएगा, अभी जो है कि समय है, तब तक अभी से ही अपना जो है कि सारा डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए ओरिजिनल, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण लगभग 15,000 छात्राओं का जिनका रेडी फॉर पेमेंट था 18 से 21 वाले का, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आप ध्यान रहे जब भी आवेदन करेंगे किसी का भी वीडियो देख करके, इंटरनेट वाले मार्कशीट से आप आवेदन कभी नहीं करेंगे। मार्कशीट नंबर मांगा जाएगा तो आप ओरिजिनल मार्कशीट नंबर देंगे, जब आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा तब, उससे पहले नहीं आवेदन करेंगे। खैर हम बताएंगे आप लोग चैनल से अपडेट रहे कि आवेदन कैसे करना है, तो अभी थोड़ा समय है, लिस्ट में नाम आएगा तब। ये 30 जून वाला आपके लिए नहीं है, आपका जैसे ही आएगा हम आपका सेशन का नाम मेंशन करते हुए थंबनेल पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल पार्थिरी का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद से आधार कार्ड पर जो है किसी भी प्रकार की आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। रिजेक्ट 15,000 का जो है कि हुआ है, यही सबके कारण आधार कार्ड और जो आपका जो मार्कशीट है उस पर जैसा नाम है बिल्कुल वही होना चाहिए, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जैसा आपके मार्कशीट 10th वाला है बिल्कुल वैसे ही आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए, यदि नहीं है तो सुधरवा लीजिए, रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद से आप आवासीय बनवाएंगे, आवासीय लगेगा, आवासीय सर्टिफिकेट का नंबर लगेगा, आवासीय में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फादर नेम आपका आवासीय पर वैसे ही होना चाहिए जैसा आपके 10th के मार्कशीट पर है या ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह पर है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट पर आपके फादर नेम है बिल्कुल वैसे ही स्पेलिंग के साथ आपका जो है कि आवासीय होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो है कि पासबुक, खाता आप ही के नाम से होना चाहिए और वो खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते। तो मोटा मोटी 4 चीजें अपने पास अभी रखें, पार्थिरी का ओरिजिनल मार्कशीट, दूसरा आवासीय नैका वाला क्यूआर कोड वाला आवासीय जिस पर किसी भी प्रकार की आपके नेम में आपके फादर के नेम में कोई गड़बड़ी नहीं होने चाहिए,
उसके बाद से आपका जो है कि आधार कार्ड हो गया और आपका बैंक का पासबुक हो गया। बैंक पासबुक बिहार का ही वो खाता होना चाहिए किसी भी बैंक से, और उस पर भी आपका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा आपके जो है कि एकेडमिक पर है या आधार कार्ड पर है। फादर नेम भी एकदम सेम हो तो अच्छा है, खाता किसी दूसरे के नाम का नहीं होना चाहिए। तो ये चार चीजें अपने पास रखिए, उसके बाद से लिस्ट में नाम अपडेट होने दीजिए। जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा हम आपके लिए वीडियो बना करके बताएंगे। अभी वाला जो है वो आपके लिए 19 से 22 वाले तमाम छात्र है, आपके लिए नहीं है, बिहार विश्वविद्यालय के तमाम छात्राओं के लिए। लिस्ट में नाम अपडेट होगा, लिस्ट जारी होगा तो हम आपको बताएंगे कि आकर लिस्ट देखिए, उसके बाद से मार्कशीट मिलेगा, फिर आवेदन शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से आवेदन करना है। फिलहाल आप लोग चैनल से अपडेट रहे और इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।